नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत इजी है और स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा होगा। काजू कतली का भी स्वाद फेल हो जाएगा इसके सामने, तो एक बार ज़रूर बनाइए। बिल्कुल कम सामान में सिखाने जा रही हूँ, इजी तरीका से घर पे बनने वाला रेसिपी है। एक गिलास दूध डालिए कढ़ाई में, उसमें 2 चम्मच घी, घी देसी घी है उसको मैं डाल रही हूँ, आप कोई भी घी डाल सकते हैं। अब इसमें हल्का गर्म होने के बाद 1 कप मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब इसको बढ़िया से मिला जुला करके चला करके गाढ़ा रबड़ी की तरह बना लेना है। हल्का गर्म दूध हो जाने पर बहुत जल्दी घुल जाएगा दोस्तों, बहुत इजी तरीका से घुल जाएगा, तो इसको मिलने जुलने में कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब इसी में 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा चीनी, 1 कप मिल्क पाउडर में 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा उसी कप से ही चीनी ले लीजिएगा। अब इन सब को बढ़िया से पका लेना है, सारे बढ़िया से पक जाएंगे, उसके बाद गाढ़ा सा मावा हो जाएगा तैयार। उसके बाद ये रेसिपी सिखाऊंगी। देखिए इस तरह से मावा की तरह तैयार हो रहा है, तो इसको चलाते चलाते कंटिन्यू तैयार करना है। ऐसे घी 2 चम्मच डलाया है तो पेंदी में नहीं चिपकेगा, लेकिन फिर भी कंटिन्यू चलाना पड़ेगा दोस्तों इस तरह से। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा ये रेसिपी। अब देखिए तैयार हो गया है, चूल्हा बंद करके इधर पंखा की तरफ हवा में ऐसे कढ़ाई को छितार कर रख देना है। हल्का ठंडा हो जाने के बाद में फिर अगला प्रोसेस बता रही हूँ। 1 पोलोथीन लेना है, उसमें हल्का घी ग्रीस कर लीजिएगा। उसके बाद ये वाला डो जो मावा का तैयार हुआ है उसको इस पे डाल के 1 चम्मच घी और लगा लेना है। फिर इसी पॉलीथीन के सहारे से ऐसे उलट पलट करके दोनों तरफ से इसे एकदम आटा की तरह स्मूथ बनाना है। बहुत इजी तरीका से हो जाएगा, जिसे घी लगाने के कारण ये बहुत बढ़िया से उलट पलट होता है, तो सेम इसी तरह से इसका प्रोसेस कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। 1/2 से कम डो साइड में रख के कलर डालना है, ग्रीन कलर में डाल रही हूँ, आपके पास जो कोई कलर होगा आप डाल सकते हैं। 2 कलर का ये मिठाई बनाने जा रही हूँ। अब इसको बढ़िया से उलट पलट करके, हाथ लगाने का ज़्यादा ज़रूरी नहीं, पोलोथीन से ही उलट पलट ज़्यादा कीजिएगा। बढ़िया से मिक्स होके ये ग्रीन कलर का हो जाएगा तैयार। उसके बाद दूसरा प्रोसेस बता रही हूँ, वीडियो पे बने रहिए। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया इसका। अब उसको साइड में रख के हल्का सा लंबा करके रख देना है, फिर दूसरा प्रोसेस मैं करूँगी। हल्का लंबा आकार के इसको करके पतला सा एक साइज का ऐसे कीजिएगा, जिसे बढ़िया से मिठाई में कवर हो सके। अब इसको हल्का सा लंबा करने के बाद में ऊपर से पोलोथीन डालकर हाथ के हथेली से चौड़ा कर लेना है दोस्तों। चौड़ा करने के बाद में फिर से और बढ़िया से छितार छितार करके थोड़ा चौड़ा कीजिएगा, लंबा आकार के कीजिएगा, जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम आपको करना होगा। इस तरह से करने के बाद फिर मैं मिठाई का ऐसे आकार बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं मिठाई का डिजाइन बना रही हूँ। एकदम हलवाई स्टाइल बन रहा है दोस्तों, बिल्कुल हलवाई स्टाइल घर पे आप बना सकते हैं। अब इसको बीच में डाल करके एक मोड़ लगा देना है। फोल्ड लगाने के बाद इसे चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं बर्फी कटर से काट रही हूँ, उसका भी मैं बर्फी निकाल दूंगी बाद में, साइड में रख रही हूँ अभी। तब तक के लिए इसको तैयार कर लेना है। अब ऊपर से पोलोथीन लगा करके हल्के हाथों से इसे और पतला करना है। थोड़ा और पतला हो जाने के बाद में फिर मैं कटिंग करके दिखाऊंगी कितना बढ़िया इसका डिजाइन बन गया।
अगर चाहिएगा कि इसी तरह से अब तुरंत कटिंग कर देंगे तो नहीं होगा, मैं वीडियो पे बताऊंगी, वीडियो पे बने रहिए कि अब इसको क्या करना है तब इसका कटिंग फाइनल होगा। बहुत बढ़िया इसका लुक तैयार होगा दोस्तों, इस तरह से बनाइएगा तो एकदम हलवाई जैसा बनेगा। अब ऊपर से बर्फी वाला जो तवक होता है, सिल्वर पेपर भी बोल सकते हैं, सिल्वर वर्क मैं लगा रही हूँ, ऐसे तवक बोला जाता है इसको, ये मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाई हूँ। चाहे तो इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप मंगवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे इजी तरीका से मिल गया है। अब इसको हल्का हल्का सभी जगह लगा करके बढ़िया से सेट कर लेना है। इसको लगाने के बाद में इसका लुक बहुत बढ़िया खास बन जाएगा, बिल्कुल हलवाई जैसा बनेगा। और हेल्दी तो घर का सामान होता है दोस्तों, तो हलवाई से कई गुना ज़्यादा हेल्दी भी बन जाएगा और डिजाइन हलवाई जैसा सेम बन जाएगा। तो घर पर ही आप इस तरह से बना सकते हैं। अब इसको अभी गिल्ला है थोड़ा, इसलिए घबराना नहीं है, इसमें थोड़ा ऐसे लंबा लंबा करके तीन भाग बनाना है। तीन भाग बना करके फिर एक प्लेट में रख के इसको फ्रिज में रख देना है 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए। देखिए सेट करके मैं लाई हूँ 15 मिनट बाद, अब इसको मैं कट कर रही हूँ। अब इसका कटिंग करना बहुत इजी हो गया, तो इसी तरह से बनाइएगा, बहुत इजी तरीका से आपका ये मिठाई बन जाएगा। देखिए कितना बढ़िया से कटिंग हो रहा है, और इसी का साइज मिला मिला करके इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। इसी तरह से सारे तैयार कर लीजिए, साइड वाला पार्ट को हटा देना है, एकदम एक साइज का एक आकार का, देखने से भी ज़्यादा खास लगेगा बढ़िया। तो इस तरह से कटिंग कीजिएगा इसको। अब इस तरह से गेस्ट के लिए भी रख सकते हैं, रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई है दोस्तों, इस तरह से रक्षाबंधन के लिए घर पे बना सकते हैं, सभी बच्चों को या बड़ों को खुश कर सकते हैं खिला करके। बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट हेल्दी मिठाई बन के हो गया तैयार, कम सामान कम खर्चा में घर पे हो गया है बनके तैयार। महंगी सी मिठाई का ये रेसिपी है, तो इसको बनाना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं तो करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइए कैसा लगा हमारा रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फिर मैं अगला वीडियो और दे सकूं। आप लोग का कमेंट से बहुत मेरा मन खुश होता है, तो एक कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।